प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और 550 भारतीय सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। इससे सिखों की 72 साल पुरानी उम्मीद पूरी हो गई। इस जत्थे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल रहे। ये गलियारा पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के इस जिले में स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब में ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल गुजारे थे। पीएम मोदी ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में 550 भारतीय श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को गलियारे के रास्ते गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए रवाना किया। ये गलियारा गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आम लोगों के लिए खोला गया है। प्रधानमंत्री ने गलियारे में भारत की तरफ यात्री टर्मिनल की इमारत का भी उद्घाटन किया, जिसे एकीकृत जांच चौकी के तौर पर भी जाना जाएगा, जहां तीर्थयात्रियों को नए बने 4.5 किलोमीटर लंबे गलियारे से यात्रा के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। न्यूज़ डेस्क।